नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनुज जैन रोहतगी। अरुणाचल प्रदेश के सटे कुछ जगहों पर चीन ने गांव के गांव बसा लिए है। हाल ही में सैटेलाइट से मिली हुई कुछ तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ और इस पर सीधा राहुल गांधी और कांग्रेस सरकार ने मोदी सरकार पर अटैक किया। उनका कहना है कि चीन धीरे धीरे भारत के बॉर्डर से सटे कुछ एरियाओं पे कब्जा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने इस बात को पूरी तरह से साफ किया है कि जिस जगह पर चीन ने गांव बसाए हैं वो जगह पहले से ही 62 के युद्ध से पहले से ही चीन के पास थी और जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो उसने अभी किया है। ये जमीन जो है पहले ही नेहरू सरकार के टाइम पर चीन ने कब्जा कर ली थी, इस बात का खुलासा सरकार ने किया। और साथ में सरकार का ये भी कहना है कि अगर चीन कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो दूसरी तरफ भारत भी बॉर्डर से सटे अपने तमाम एरियो पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, पक्की सड़कें बना रहा है और जो रणनीति चीन अपना रहा है उसका जवाब देने के लिए सरकार और सेना पूरी तरह से तैयार है और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है भारत की सीमाओं पर जो चीन से सटे हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल से भी भारत के रिश्ते कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि हाल ही में नेपाल के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया और एश्योर किया कि जो रिलेशन है भारत के साथ वो बनाकर रखना चाहते हैं, अच्छे रखने चाहते हैं। और तमाम बातों की चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं। सर, सबसे पहले चीन की तरफ ही जाते हैं। जिस तरह से सैटेलाइट की पिक्चर सामने आई और साफ लग रहा है कि गांव के गांव स्थापित कर लिए हैं चीन ने अरुणाचल प्रदेश सटे कुछ एरिया में, और इससे पहले भी देखा गया था कि कुछ इलाके चाहे वो नेपाल के हों, भारत से सटे हुए कुछ हैं जो नेपाल के हिस्से में आते हैं, वहां भी जो बॉर्डर एरिया में चीन गांव स्थापित कर रहा है, तो मंशा क्या है चीन के इसके पीछे? कहा जा रहा है कि चीन ने हिंदुस्तान की सरजमी पर कब्जा किया है, 5 से 7 किलोमीटर अंदर घुसा है और एक गांव को स्थापित किया है। इसका सरकार ने और फौज ने खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि वास्तव में उसने जो गांव बनाया है वो हिंदुस्तान और चीन के बॉर्डर से 4.5 किलोमीटर चीन की तरफ है। उस रेडियस के अंदर चीन पिछले कई महीनों से और पिछले 2-3 सालों से अनेकों इस माफी के गांव बसा रहा है। इसके पीछे उसकी मंशा है कि वो सोचता है इसके जरिए उसका जो क्लेम है अरुणाचल के ऊपर उसको मजबूती मिलेगी, उस तमाम इलाके के ऊपर उसकी पकड़ मजबूत होगी। इस इलाके के माध्यम से वो हिंदुस्तान के ऊपर कड़ी नजर रख सकेगा, उसको रिकॉन्सेंस और सर्वेलेंस में सुविधा मिलेगी। और चौथा, ये सारे गांवों को वो सड़कों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं जिससे लड़ाई के समय उसको एडिशनल ट्रूप्स या इक्विपमेंट को लाना और उनको मेंटेन करने में सुविधा मिलेगी। तो सहगल सर का भी यही मानना है कि जो एरिया है वो चीन के पास पहले से ही है, लेकिन हाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है और उसका मंशा यही है कि इसके जरिए जो उसकी जो आवाजाही है, जो उसकी सेना की आवाजाही है, जो गतिविधियां हैं वो इन इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए आसानी से कर सके। लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि सरकार ने बिल्कुल खंडन किया था इस बात का हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और साफ कहा था कि किसी भी जो भारत की जमीन है उस पर चीन का कब्जा नहीं है। अब हम नेपाल की अगर बात करें, नेपाल में जो ओली सरकार है उसने जो मैप 3 जो भारत के एरिया है उसको अपने मैप में संशोधन किया है और उस तीनों जो हमारे एरिया है उसको अपने मैप में शामिल किया है। और भारत में जब विदेश मंत्री आए थे नेपाल के तो भारत ने इस बात को साफ किया था कि वो तभी समझेंगे कि भारत जो है नेपाल जो है भारत से अच्छी दोस्ती रखना चाहता है जब तक वो तीनों जो एरिया हैं जो उसने अपने नक्शे में संशोधित करके दिखाए हैं कि नेपाल में आते हैं उन पर जो है उसको खत्म किया जाए, उसको वापस लिया जाए। और इसके बिना भारत ने साफ तौर पर कह दिया कि बॉर्डर से सटी किसी भी बात पर वो नेपाल से बातचीत नहीं करेंगे। वैसे नेपाल के विदेश मंत्री ने सीधे तौर पर ये कहा, खुलकर कहा कि वो नहीं चाहते और उनका देश नहीं चाहता कि चीन किसी भी तरह से पॉलिटिकल मामलों में नेपाल जो है नेपाल पे इंटरफेरेंस करे, उसका इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, ये जो बात सामने आई है, एक तरफ ओली सरकार है वो देखते हैं बार बार कि चाइना का डेलीगेशन उसके आकर मिलता है और बीच में जब उनकी सरकार जो गिरने वाली है और जब टूट गई थी तो पता चला कि चीन का एक डेलीगेशन आया है सुलह करने के लिए दोनों पार्टियों के बीच में, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। एक तरफ ओली है जो चाह रहे हैं कि उनकी क्लोजनेस जो है चीन से लगातार बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो विदेश मंत्री जब भारत का दौरा करते हैं तो वो एश्योर करते हैं कि वो भारत से अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहते हैं। एग्जैक्टली नेपाल चाहता क्या है? क्या सच में वो चाहता है नेपाल अंदर से कि भारत के साथ दोस्ती उसकी बनी रहे जो सदियों पुरानी है? नेपाल की तमाम सरकारें जानती हैं कि वो हिंदुस्तान के साथ रिश्ते नाते बिगाड़ नहीं सकते। अगर रिश्ते नाते बिगड़े तो बहुत जबरदस्त नुकसान होगा नेपाल को। लेकिन जहां तक उनका लेटेस्ट क्लेम्स है, वो केपी शर्मा प्लेट टू द गैलरी
अपनी कुर्सी जो डावाडोल हुई थी उसको मजबूती देने के लिए, और पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन भी पास कर दिया जो प्रेसिडेंट ने अप्रूव भी कर दिया। वो साफ तौर पर समझता है कि ये जो है बहुत बड़ी गलती की है उसने, लेकिन ये सरकार इस गलती को कबूल नहीं करेगी और मुझे नहीं लगता कि उन नक्शों को विड्रॉ करेगी। लेकिन जो उसके फॉरेन अफेयर मिनिस्टर आए हुए हैं हिंदुस्तान में, उन्होंने बातचीत में साफ तौर पर कहा है कि चाइना की इंटरफेरेंस जो हो रही है नेपाल में, नेपाल की सरकारें जो है उसको बर्दाश्त किसी हालत में नहीं करेगी। वो हिंदुस्तान के साथ रिश्ते नाते इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने कहा है बॉर्डर के ऊपर किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं होगी जब तक नेपाल पहले जो है अपने क्लेम्स को विड्रॉ करे। सर को मानना है, जैसे कि पीके सहगल सर का अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि नेपाल जो है दोस्ती भारत से किसी भी कीमत पर अपनी खत्म नहीं करेगा, खराब नहीं करेगा, और इसके पीछे मकसद भी यही है कि भारत जो है काफी हद तक, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे वो कल्चरल डेवलपमेंट हो, चाहे सोशल इश्यू हो, नेपाल और भारत की दोस्ती हर मायने में सदियों से बनी रही है और आपस में एक दूसरे के जो रिलेशन है बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, और ऐसे में वो नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह से भारत से अपनी दोस्ती जो है खराब करे चीन के चक्कर में। और जो चल रहा है नेपाल में घटनाक्रम, उससे यही लग रहा है कि ओली सरकार जो है, जो उन्होंने डिसीजंस लिए हैं, उसका विरोध भी वहां पे बहुत हो रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल विरोध हो, चाहे वो आम जनता के विरोध हो, क्योंकि आम जनता चाहती है कि भारत से दोस्ती नेपाल की बनी रहे और चीन के चक्कर में वो दोस्ती जो है बिगड़े नहीं। तो ये तमाम जो चीजें हैं जो चल रही हैं पॉलिटिकली, जो चल रही हैं चीन और नेपाल के साथ, और खास तौर पर चीन के साथ, उसको लेकर हमारी जो आर्मी है वो काफी सजग है। बार बार जो बयान आ रहे हैं आर्मी चीफ की तरफ से वो यही आ रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, मोराल जो है बूस्टअप करके रखा हुआ है सेना का। और जो दौरे हो रहे हैं जो, और आपको बता दें जो लगातार बातचीत हो रही है चाइना ऑफिशियल के साथ, मकसद यही है कि जो टेंशन्स चल रही हैं चाइना के साथ जो अभी तक खत्म नहीं हुई है, खुद हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह मानते हैं इस बात को कि टेंशन अभी खत्म नहीं हुई, हमारे आर्मी चीफ ने भी माना है, लेकिन पूरी कोशिश है सरकार की जो टेंशन है एलओसी पर चाइना के साथ उसको खत्म किया जाए। जो रिश्ते हैं हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ, मोदी सरकार बार बार इस बात को दोहराती है कि सरकार जो है पूरी तरह से अपने नेबरिंग देश है, जो नेबरिंग कंट्रीज है, उनके साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहती है। ये बात अलग है अगर कोई भी भारत की सीमा में घुसेगा, घुसपैठ करेगा, कब्जा करने की कोशिश करेगा, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन भारत चाहता है, उसकी पहल यही रहती है कि जो नेबरिंग कंट्री है उसके साथ उनके रिश्ते अच्छे बने रहें। तो दोस्तों, कोशिश रहती है न्यूज नशा के जरिए आपको कुछ कुछ अपडेट देते रहें, चाहे वो पॉलिटिकल अपडेट हो, चाहे वो डिफेंस से जुड़ी खबरें हो, और कोशिश रहती है एक्सपर्ट्स के माध्यम से आपको ये सब जानकारी दी जाए। तो आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर, और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं, आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।